ग्रेट इवनिंग दोस्तों, मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की शाम हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आज का अपना ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और अपने ट्रेनिंग का टाइटल है ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, इसके पीछे का रीजन है कि आने वाले लॉकडाउन के बाद कि हमें बहुत चेंज दिखना चाहिए और वो सिर्फ चेंज ऑर्डिनरी चेंज नहीं होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, ग्रेट होना चाहिए और जलद गति से होना चाहिए। इसके लिए ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ये नियम से मैंने शुरू किया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद एक चीज होने वाली हमारे साथ, कंपनी वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, कस्टमर वही रहेंगे, हमारे सीनियर जूनियर वही रहेंगे, डायरेक्टर भी वही रहेंगे, लेकिन हम सब का एक दूसरे के प्रति देखने का नज़रिया चेंज होगा। और वो नज़रिया कैसे रहेगा इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये 40-42 दिन में जो माहौल बन रहा है उससे सभी को एक दहशत और डर पैदा हुआ, और वो डर क्या है वो आप सबको पता है। लेकिन ट्रेनिंग में हम कुछ बातें सीखने वाले हैं जिससे ये सब चीज़ें हम अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। सो पर्पस ऑफ ग्रिप यानी ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का पर्पस क्या है, तो अगर हमने अपने आप को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें तीन चीजें की आवश्यकता है, तीन स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहली स्टेप है संयम यानी कंट्रोल, दूसरी स्टेप्स है संकल्प यानी प्रतिज्ञा और तीसरी स्टेप्स है स्वाध्याय यानी सेल्फ ग्रिप। अब संयम किस चीज पे होना चाहिए, क्योंकि हम घर में बैठे हैं पिछले 42 दिन से, तो इनसिक्योर फीलिंग सबसे पहले आ रही कि मेरा सर्विस का क्या होगा, जॉब का क्या होगा, हम जिएंगे मरेंगे, कोरोना कहाँ तक है क्या है, क्योंकि वायरस ऐसा है कि कभी किसको पता नहीं चलता है, ना उसको रीड कर सकते ना मेजर कर सकते जब तक वो बॉडी में इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक। सो ये बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आसपास और अपने दिमाग में और घर में और टीवी के न्यूज़ चैनल के जरिए वो कंटिन्यू सामने दिखा है, इसलिए निगेटिव थॉट को और ये अनसिक्योर और निगेटिव जो भी निगेटिव थिंग्स अपने आसपास हो रही है उसको बंद करो, उसको कंट्रोल करो। हाँ, न्यूज़ देखना है दिन में एक बार देख लो और छोड़ दो। अब संकल्प क्या करना है, इस सारी सिचुएशन से हमें बाहर आना है, यानी आने वाले परिस्थिति को हम अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं और बहुत जल्द इसमें से बाहर निकल के सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ये दो चीज करने के लिए हमें तीसरी चीज की आवश्यकता है, वो है सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्याय, स्वयं को अध्ययन करने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के जब सब कुछ स्मूथ होगा और हम सब काम पे लग जाएंगे तो अभी से प्रिडिक्ट करना है कि मेरे कंपनी में क्या होने वाला है और मेरा रोल क्या रहेगा, मेरा क्या पोजिशन रहेगा, उसको मद्देनजर रखते हुए अपने स्ट्रेंथ को और पावरफुल करना, रिव्यू करना, और जो अगर अपने हमारे में अगर कुछ भी निगेटिविटी है तो उसका लिस्ट बनाओ कि मेरी ये निगेटिविटी है, मेरा ईगो है, आर्गुमेंट करता हूँ मैं, अननेसेसरी अनवांटेड कम्युनिकेशन करता हूँ, गॉसिप करता हूँ, तो ये सारी चीज़ बंद करनी है मुझे और सिर्फ मुझे इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना है अपने और अपने जॉब रिलेटेड एक्टिविटी में, जिससे मेरे और मेरे कंपनी को फायदा हो। तब जाके क्या होगा कि हमारा वर्क जो है सस्टेनेबल रहेगा, अगर हमारी सर्विस मेंटेन रहेगी तो हमारा कंपनी भी मेंटेन होगा, क्योंकि कंपनी को क्या इसके आगे सबको एक ही कॉन्सेप्ट आने वाला है और चालू हुआ है थॉट वो प्रोसेस कि कॉस्ट रिडक्शन कैसे करें, क्योंकि सबको सर्वाइव करना है। अब इसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो भी है ग्रेट परफॉर्मेंस, अपने आप की एक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी अपनी कंपनी में कि अगर मेरा जॉब सेफगार्ड रखना है तो मुझे सेफगार्ड जॉब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। एक कोरोना लहरा यानी लॉकडाउन पीरियड में एक बहुत बड़ी मिली हुई अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी में मुझे अपने आप को अपने स्किल को अपस्किल करना है, लर्निंग मोड में रखना है और एक बेहतर परफॉर्मर करके मुझे लॉन्च होना है। तो ये रीलॉन्चिंग का समय फिर से सबके लाइफ में आया हुआ है। Alibaba.com के जो ओनर है जैक मा, उन्होंने क्या कहा है कि पीपल इन बिजनेस 2020 इज रियली जस्ट अ ईयर फॉर स्टेइंग अलाइव, यानी 2020
ये साल ऐसा है बिजनेसमैन के लिए, बिजनेस के लिए, एम्प्लॉय के लिए और सभी के लिए, कि हम हमारे जो भी सपने हैं, हर एक का अपना सपना रहता है ना आजकल, गोल सेटिंग वगैरह पिछले कई सालों से हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग ट्रेनर्स उसके ऊपर काम करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ड्रीम्स गोल सेट और वो सबको बाजू रखना पड़ेगा इस साल के लिए, आने वाले 2021 ईयर में। और सिर्फ फोकस यही रखना है कि हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, हम कैसे जिंदा रह सकते हैं, अपने जॉब को कैसे सस्टेन कर सकते हैं, अपने कंपनी को कैसे एक्टिव मोड में रख सकते हैं, यही हमारा एक प्रॉफिट रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम जिंदा रहेंगे यही हमारा प्रॉफिट समझ के हमें काम करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, उन्होंने बताया कि हमें रीड लव एंड लर्न, यानी हमें कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखनी है, पढ़नी है, आसपास के लोगों के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए, प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, अपने काम के प्रति प्रेम होना चाहिए, और इसको ऑलवेज बेटर करने के लिए हमें सीखने की जरूरत है। तो अब चलते हैं कि कल हमने देखा था कि दो चीजें हमने सीखी थी और उसके आगे का एक हिस्सा है टीम वर्क, आउटपुट ऑफ वर्किंग टुगेदर, यानी टुगेदर एवरी वन अचीव मोर, यानी ये टीम वर्क का डेफिनेशन है कि टुगेदर एवरी वन अचीव मोर। ये मेरे ख्याल से ये कल तक का था दोस्तों कि 22 मार्च तक ये टीम वर्क का डेफिनेशन था, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जब खुलेगा तब टीम वर्क का डेफिनेशन ही चेंज होगा। उसका डेफिनेशन ये रहेगा कि टुगेदर एवरी वन अचीव मोर के जगह पर होगा मैजिक। अब मैजिक कैसे होगा, जैसे जैकमा ने बताया कि अगर हमें कंपनी को जिंदा रखना है और अपने एम्प्लॉय को और ओनर को सबको सैलरी मिलनी चाहिए, तो हमें सबको टीम वर्क करके काम करना पड़ेगा, और टीम वर्क सिर्फ मोर के लिए नहीं चलेगा तो मैजिक के लिए चलेगा, और उस हिसाब से हमें सबको अपने आप को 100% ये चुना कॉन्सेप्ट है 100% वाला, मैं तो बोलता हूँ 1000% काम करना पड़ेगा। मैं अंदर आ सकता हूँ, ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे समझते हैं कि अपने क्या। हाँ ड्राइवर आओ, कैसे आना हुआ? बॉस वो सैलरी मिल जाएगी? ये लो तुम्हारी सैलरी, 22 मार्च तक के हैं, 22 को लॉकडाउन हो गया था, 22 के बाद तुम नहीं आए, ये तुम्हारी मार्च की 22 तक की सैलरी है। और बॉस अप्रैल की? अप्रैल में तुम एक दिन भी नहीं आए, किस बात की सैलरी? पर बॉस मैं तो आना चाहता था, सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, मैं कैसे आता? फैक्ट्री का काम ठप पड़ा है, तुम्हें अपनी सैलरी की पड़ी है? देखो काम कितने दिन से रुका पड़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ अगर लॉकडाउन हो गया तो? मैं तो गरीब आदमी हूँ, पिछले 5 साल से आपके पास नौकरी कर रहा हूँ, अगर आप मेरी सैलरी नहीं देंगे मेरे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। गवर्नमेंट दे तो रही है तुम गरीबों के लिए राशन। सर अगर सैलरी नहीं मिली मैं तो कर्जे के नीचे डूब जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा सर मैं तो आपके सहारे ही था, भूखा मर जाऊंगा। जहाँ मर्जी जाओ, मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा। वो कितना बुरा सपना देखा मैंने, आज मैंने सैलरी लेने भी जाना है बॉस के पास, कहीं ये सपना सच ना हो जाए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ आओ आओ। और जीवन घर में सब ठीक ठाक हैं? हाँ सर घर पे सब ठीक है सर, मैं वो सैलरी के लिए आए होंगे तुम? हाँ जी। लॉकडाउन की वजह से मैं तुम्हारी सैलरी भिजवा नहीं पाया, वरना घर ही भेज देता। ये लो मार्च और अप्रैल की सैलरी पकड़ो अपनी। सर मैं अप्रैल में तो आया ही नहीं। अरे लॉकडाउन की वजह से सारे काम बंद पड़े थे, तुम कैसे आते? अगर लॉकडाउन ना होता फिर तो तुम आते ही ना। अपनी सैलरी रखो, ये तुम्हारा हक है, पिछले 5 साल से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, इस मुश्किल की घड़ी में अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जैसा मालिक सबको मिलना चाहिए। मैनेजर साहब का फोन? हाँ जी मैनेजर साहब। जी जी। अरे आप चिंता मत कीजिए, काम शुरू हो गया है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, अपनी सारी किस्तें हम टाइम पे उतार देंगे, मुझे पता है 3 महीने का ब्याज भी देना है, निश्चिंत रहिए। अपने उस वेंडर को फोन मिलाता हूँ जिससे ऑर्डर मिला हुआ है। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? सर वो कुछ पेमेंट कर देते। क्या ऑर्डर दिए बिना आप पेमेंट नहीं देंगे? सर हम कह तो रहे हैं लॉकडाउन था, लॉकडाउन अब खुल गया है, काम लग गया है, जल्दी हम ऑर्डर पूरा कर देंगे। सर 30 दिन में कैसे होगा? 60 दिन का काम हम 30 दिन में कैसे कर पाएंगे? सर प्लीज कुछ पेमेंट। सर 30 दिन बाद अगर पेमेंट मिलेगी तो मजदूरों को हम पेमेंट कैसे देंगे अब? ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मजदूरों से बात करनी पड़ेगी एक बार। जीवन गाड़ी बाहर निकालो, थोड़ा बैंक तक जाके आना है। ठीक है सर। सर आप परेशान से क्यों लग रहे हो? हाँ बात ही परेशानी की है भाई, वेंडर ने पेमेंट देने से इनकार कर दिया,
और कह रहा है कि 60 दिन का काम 30 दिन में करके दो। सर क्यों टेंशन करते हो, मैं अभी सभी मजदूरों के साथ बात करके आता हूँ। ठीक है कर लो बात, काम के लिए और लोन लेना पड़ेगा, इस लॉकडाउन ने तो व्यापारियों की कमर ही तोड़ दी है। सर मेरी सभी मजदूरों के साथ बात हो गई है, वो 60 दिन का काम दिन रात करके 25 दिन में पूरा कर देंगे, और आप टेंशन मत लो, सैलरी भी बाद मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तुम सबका। सर मुसीबत के टाइम आप हमारे साथ खड़े थे, अब आप पे मुसीबत आई है, हम थोड़ी पीछे हटेंगे। अभी तो मैं कहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे एम्प्लॉय नहीं, मेरे परिवार के हिस्से हो। तो दोस्तों आपने देखा है वीडियो, इसमें हमें दो तीन चीज सीखने मिले। एक तो वर्क टुगेदर, यानी सबसे पहले क्या हुआ, तो जो संयम वाली बात मैंने कहा नेगेटिव कंट्रोल, वो नेगेटिव थॉट उसमें आया कि वो सपना दे, दिन भर वही सोच में क्या हुआ, सपने भी वैसे ही पड़ने लगे कि मुझे सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो गया कंपनी में तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट था वहाँ पर, कि मालिक अच्छे पॉजिटिव थे, उन्होंने उनको जो लॉकडाउन का भी सैलरी दिया। अब उसका क्या हुआ, स्ट्रेंथ, यानी हर एक कोई एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे काम कर सकता है और टीम वर्क के साथ जा सकता है। जब कंपनी में ऑर्डर आई और 60 दिन की रिक्वायरमेंट 30 दिन में पूरी करनी है और बैंक का पैसे का सपोर्ट भी नहीं था, तो उस समय एम्प्लॉय का ही सपोर्ट मिलता है, इसलिए कंपनी ने उसको सपोर्ट किया करके उसने भी प्रोएक्टिवली कंपनी से बात की और वो अपनी तरफ से कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय से बात करके उस टारगेट को अचीव कर पाए। ये रहा है। अब हम देखते हैं कि ये आज का हमारा लर्निंग रहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन एट प्रोडक्शन फ्लोर, हम प्रोडक्शन फ्लोर पे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं और उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, आज के ट्रेनिंग के पार्टिसिपेशन में मेरे ख्याल से प्लास्टिक इंडस्ट्री, कोरिगेशन, फार्मा और फूड इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट इसमें है। तो हमारे यहाँ पर नॉर्मली प्रोसेस मशीन का प्रोसेस सेट हुआ रहता है, उसमें आप सोचेंगे उसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑपरेशन जो है, जो ह्यूमन टच आता है, वहाँ पर हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसको हम सोच सकते हैं, प्लस प्रोसेस में भी कैसे इम्प्रूवमेंट लाने का वो भी सोच सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। Anh sẽ được miễn phí một người mà đổ 2, 4, 6, 8, 10 cháo công đức vô luôn. Cháo bánh xèo thao tác thật mẹ thật nhanh công đức. Tất cả mọi thứ đều miễn phí, để ăn cái uống cho phục vụ luôn. Các bạn nếu có đến thì bạn đi thử đến của hôm nay 10 cái chảo không phải là không bán gì hết, chỉ làm công quả thôi, không có bán nhiều công việc. Wow, great! What a superb example of multi-machine same process with one person. So, ये great example है। अब इसमें total 14 systems involved है। सबसे पहले आता है work, standard work। यानी ये जो भी one machine, sorry, 10 machines सेम प्रोसेस वन ऑपरेटर, इस तरह से कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे पहले रोल आता है स्टैंडर्ड वर्क का, एक ही काम, एक ही टाइप का काम अगर है 10 मशीन पे तो इसको इस तरह से सिंगल ऑपरेटर उसको ऑब्जेक्ट मैनेज कर सकता है।
दूसरा आता है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम में क्या होता है कि वो सेम प्रोसेस को कितना समय लगता है वो हमें ध्यान में रखना है, और वो हिसाब से वो प्रोसेस हम सेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें उस प्रोसेस का साइकिल टाइम जानना जरूरी है। एज ए इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ये सब छोटे छोटे प्रोसेस को हमारे माइंड में होना चाहिए, रिकॉर्ड में होना चाहिए, ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। तीसरा आता है लेआउट। अब सेम प्रोसेस थी, मटेरियल कम था, साइकिल टाइम और वो सब कुछ डिजाइन होने के बाद उसको हम डिजाइन कर सकते हैं कि एक ऑपरेटर सेम प्रोसेस कितने मशीन के साथ कर सकता है। और यहाँ पर देखा कि वो सेम प्रोसेस है, एक ऑपरेटर है और 10 मशीन उन्होंने सेट किया है, क्योंकि वहाँ का ये सब कुछ स्टडी किया था, स्टैंडर्ड वर्क डिजाइन हुआ था, साइकिल टाइम डिजाइन हुआ था और वो हिसाब से आगे गए थे। चौथा आता है कि SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि जो भी हमने किया है, स्टैंडर्डाइज किया है, उसका SOP बनना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, SOP इसलिए बनाने का क्योंकि हर एक स्टेशन पे कितना है, कितना मटेरियल डालना है, क्या है उसका हीटिंग कितना रहेगा वहाँ पर, कितना अगर 2 घंटे की प्रोसेस है तो उधर कितना वो हीटिंग मेंटेन करने के लिए चूल्हा में कितना लकड़ा लगेगा, तो हिसाब से वहाँ होना चाहिए, मटेरियल कितना लगेगा और वहाँ पर कितने मटेरियल मिक्सिंग है, उतने उधर बर्तन अरेंजमेंट, वो सारे SOPs में रिकॉर्ड होनी चाहिए। प्लस वो प्रोसेस जब चलती है तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होना चाहिए, ताकि जब कोई नया ऑपरेटर आएगा तो उसको SOP के जरिए और वीडियो के जरिए उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग देके उसको डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए SOP ये बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली ये सारी चीज़ें ISO स्टैंडर्ड में बताई जाती है, और जो भी ISO स्टैंडर्ड ठीक से इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी कंपनी में, वो कंपनी मेरे ख्याल से बेहतर परफॉर्म करती है। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में सब लोग खाली ISO स्टैंडर्ड परचेस कर रहे हैं, ISO सर्टिफिकेट, मेरे ख्याल स्टैंडर्ड का उनको कुछ पता भी नहीं रहता है कि क्वालिटी मैनुअल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसेस क्या है, वो जस्ट बिजनेस के लिए, और कुछ लोग तो लेटर हेड और कार्ड पे लिखने के लिए भी ISO परचेस करते हैं। तो ऐसा नहीं होना होता है, इसके लिए वो सारी कंपनी स्ट्रगलिंग में है अभी लॉकडाउन में, और जो बेहतर है, जो इम्प्लीमेंट करती है, वो एक्चुअली बेस्ट परफॉर्मेंस में है। सो पांचवा पॉइंट आता है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, यानी ये सारी प्रोसेस इंक्लूड होती है इन्वेंट्री के ऊपर। जितना मटेरियल चाहिए वहाँ पर बराबर प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन होनी चाहिए अप टू फिनिश प्रोडक्ट तक। यानी वहाँ पर अगर वो ऑपरेटर वो रेडी प्रोडक्ट वहाँ पर रखता है तो प्लेट भी वहाँ पर प्रॉपर स्टैकिंग होनी चाहिए, और वो प्लेट डिलीवरी लेके जाने वाला जो है वो भी बराबर ऑन टाइम वहाँ से मूवमेंट में होना चाहिए, क्योंकि एक भी मूवमेंट रुक गए तो साइकिल ब्रेक हो सकती है और इंटरप आ सकता है। फ्लो टाइम, अब फ्लो, ये सारे चीज़ों का फ्लो मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि टोटल प्रोसेस टाइम जो है फर्स्ट प्रोडक्ट से लेके फर्स्ट मशीन से लेके 10वें मशीन तक, वो फ्लो टाइम वो ऑपरेटर का सेट हुआ है कि कौन सा मटेरियल कब इन करने का, उसका प्रोसेस टाइम क्या है, फाइनल बेकिंग टाइम क्या है, कब निकालना है, वो उसकी फिजिकल और माइंड एक्टिविटी इतनी ट्यून हो गई है जो बराबर, यानी एक रोबोट काम करता है उस तरह से वो काम करते हैं, उसमें ये सब डिजाइन होना जरूरी है। एर्गोनॉमिक एंड सेफ्टी, अब ये सब करते समय हमारा गोल क्या है ये सब करने के पीछे, यानी वन प्रोसेस, वन पर्सन और 10 ऑब्जेक्टिव, इसके पीछे का पर्पस यही है, गोल यही है कि मैक्सिमम आउटपुट विद गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, मिनिमम हेल्थ हैजर्ड टू द वर्कर। यानी ये सब करते समय प्रोडक्ट की क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकलना चाहिए, लेकिन साथ में हमारे एम्प्लॉय को कुछ भी हैजर्डनेस नहीं होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा ये सब करते समय, इसलिए 7वां पॉइंट वहाँ पर इंक्लूड किया गया। टेक टाइम यानी एट ए टाइम सारे ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट को काम करते समय सब कुछ बराबर फ्लो के हिसाब से होना चाहिए। यानी वो जो डिलीवरी लेके जाने वाले लोग हैं, समझो एक ट्रे में वो 4-5 प्लेट लेके जाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि अगर 1 मिनट में 5 डोसा निकलता है तो मुझे तुरंत 1 मिनट में रिटर्न आके वहाँ पर होना चाहिए, तो फिर वहाँ एक डिलीवरी मैन होना चाहिए या तो 2 होने चाहिए, इट्स डिपेंड ऑन दैट टेक टाइम कैसे है उसके ऊपर।
फाइव एस ए सिस्टम सब लोग जानते हैं मेरे ख्याल से, कि सबने सुना तो है फाइव एस क्या है, एक बार सुना है, इम्प्लीमेंट किया कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन जिन्होंने भी इम्प्लीमेंट किया है उनका एक्चुअली प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाता है। क्योंकि फाइव एस का डेफिनेशन क्या है, शॉर्ट, यानी अनवांटेड थिंग रिमूव कर दो, वांटेड थिंग जगह पे रख दो, फिर सेट इन ऑर्डर। हम देखते हैं कि यहाँ पर सब कैसे सेट इन ऑर्डर में रखे हुए, 10 चूल्हे है, उसके मटेरियल के है, ऑयल का है, 2 मटेरियल प्रोसेस है और 1 लिक्विड का है, ये सब सिक्वेंस में ऑर्डर के हिसाब से रखा हुआ है, और शाइन है नीट एंड क्लीन मेंटेन किया हुआ है, और सारी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, जैसे 1 नंबर पॉइंट हमारा किया हुआ है, स्टैंडर्ड वर्क प्रोसीजर। और 5वां जो पॉइंट है सस्टेन, ये सारा जो है चीज हमें खुद को ही मेंटेन करना है, यानी ऑपरेटर को अपने लेवल पे मेंटेन करने का है, इंजीनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर को ये सिस्टम मेंटेन करने के लिए उनका जो भी रियल रोल है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हर एक को अपनी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद को मेंटेन करने की जरूरत है। सीक्वेंस, अब उस ऑपरेटर को ये पता है कि पहला मैंने प्रोसेस कब किया, दूसरा कब किया, तीसरा कब किया, और पहले प्रोसेस का टाइम कब कंप्लीट होने वाला है, यानी फाइनल प्रोडक्ट कब बनेगा, कितना सेकेंड के बाद, वो उसको पता है, तो उस तरह से वो सर्विस यानी प्रोसेस मटेरियल फीड करने का, फिर फाइन फिनिश प्रोडक्ट निकालने का, ये सारा उसका ट्यून हुआ हुआ है जो हमने वीडियो में देखा। तो ये सीक्वेंस उस ऑपरेटर को बराबर ट्यून होता है वो एक बार सेट होने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद। उसी तरह से मटेरियल मूवमेंट का भी सीक्वेंस होना चाहिए, इसके लिए कानबान सिस्टम हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमने डीमार्ट में, बिग बाजार में, मॉल में, सब कुछ मॉल में, डिपार्टमेंटल स्टोर में देखा है कि हम जब स्टोर में जाते हैं तो हर एक वो रैक से ग्रेड वाइज, तो वहाँ पर हमें सब कुछ भरा हुआ दिखता है, कभी भी खाली नहीं दिखता है, इतना दिन भर कस्टमर्स का मूवमेंट होने के बाद भी, क्योंकि अंदर की उनकी एक टीम है जो ऑलवेज मटेरियल फील करती रहती है उसी जगह पर। अब उनको सब कैसे पता चलता है कि कितना मटेरियल कैसे कंज्यूम हुआ और कब भरना है, क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप हुआ है, कितना कंज्यूम हुआ है वहाँ डाटा एंट्री वहाँ स्टोर में ऑटोमेटिक जनरेट होती है, और स्टोर कीपर जो है वो ऐसे बोल देता है कि ये रैक में ये मटेरियल कम हुआ, यहाँ पर ये फिल कर दो, इसलिए वो मूवमेंट होती है और ऑटोमेटिक फिलिंग सिस्टम हो जाता है। ह्यूमन एरर प्रिवेंशन, अब ये सारे प्रोसेस में ह्यूमन एरर कहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल से 3 लोग है। एक तो मेन इंपॉर्टेंट रोल आता है ऑपरेटर का, जो क्वालिफाइड ऑपरेटर, उसका एरर आने का संभावना है, अगर समझो उसका साइकिल में कुछ भी डिले हुआ, या तो वो मटेरियल प्रोडक्ट खराब हो सकता है, जल सकता है, ओवर हीट हो सकता है, इसलिए क्वालिटी खराब होगी, और समझो वो टाइम पे नहीं रखा तो भी वो हीट लॉस हो गया, यानी वो अननेसेसरी उतना वो मशीन का प्रोसेस टाइम वेस्ट हो जाएगा इसलिए। और उसको इंटरप्ट कौन कर सकता है, तो एक तो डिलीवरी बॉय, उसने अगर टाइम पे वो मटेरियल मूवमेंट नहीं लिया तो शायद उसको इंटरप्ट हो सकता है। दूसरा हो सकता है उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाला जो है वहाँ पर, अगर मटेरियल ऑन टाइम डिलीवर नहीं हुआ बिफोर फिनिशिंग मटेरियल, टेक टाइम वहाँ पर मेंटेन होना चाहिए। ये 3 लोग इन्वॉल्व है उसमें ह्यूमन एरर में, इसके लिए सिस्टम अगर सेट होती है तो ह्यूमन एरर अवॉइड कर सकते हर एक को, यानी हम सब अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमें ह्यूमन एरर का बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और आदमी की मिस्टेक्स ही ज़्यादातर काम करती है यानी कंपनी को पीछे लेके जाने के लिए। तो मशीन तो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन ह्यूमन एरर को अवॉइड करने के लिए इंजीनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा, और इसके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भी हमें अभी काम करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमें अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना पड़ेगा, और उसको छोटे छोटे ट्रेनिंग्स शॉप फ्लोर पे देने पड़ेगा, ऑन जॉब ट्रेनिंग 20 मिनट 10 मिनट या जो भी आधे घंटे का एज एप्लीकेबल आपको लगता है तभी तभी उसको ट्रेन करना चाहिए। 13 नंबर का पॉइंट है वेस्ट स्टडी। वेस्ट स्टडी में क्या आता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्ट का बहुत बड़ा रोल है एक्चुअली, क्योंकि नॉन वैल्यू एडिशन एक्टिविटी हो जाती है, जो वेस्टेज मटेरियल है वो एटलीस्ट वेस्ट में जाता है। यानी नॉर्मली मान लो कि वह प्लास्टिक मटेरियल है 100 रुपीज़ केजी है, लेकिन वो शॉप फ्लोर पे मूवमेंट के समय काफ़ी कुछ शॉप फ्लोर पे गिरता है तो वो मटेरियल यूज़ नहीं आता है, वो वापस स्क्रैप में जाता है। तो 100 रुपया किलो वाला अगर स्क्रैप समझो 30-40 रुपये में जाएगा तो वो हिडन कॉस्ट है, तो कंपनी का लॉस है। उसी तरह कॉरिगेशन इंडस्ट्री में है, फार्मा में भी 100% इंस्पेक्शन होता है टैबलेट बनने के बाद, वहाँ पर
प्रोसेस सॉर्टिंग करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट है जो सारे लड़कियां बैठती है। और हमने कभी देखा है कि हम जब मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो स्ट्रिप में कभी हमें टूटा हुआ आधा टुकड़ा भी टैबलेट का नहीं मिलता, क्योंकि मशीन का टैबलेट का प्रोसेस 100% है, लेकिन वो वाइब्रेशन से ब्रेक से प्रॉपर प्रोसेस न होने से टैबलेट में क्रैक जाता है, कुछ टूट जाता है, तो वो सब मैनुअल सॉर्टिंग प्रोसेस है। उसके बाद वो पैकेजिंग के लिए जाता है। सो वहाँ पर वो वेस्ट कंट्रोल होना चाहिए कि वो क्यों टूटते हैं, कुछ ब्रेक होते हैं। तो मशीन यानी मशीन अपने जो 1 से 12 पॉइंट है उसके ऊपर हमने काम करना चाहिए वेस्ट कंट्रोल के लिए, तब जाके आगे हम लोग वहाँ पर जो नॉन वेल्वेड एक्टिविटी है उसको कम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। काइजन, काइजन एक ऐसी सिस्टम है जो 1 से 13 पॉइंट हमने इम्प्लीमेंट किए तब जाके ये 1 पर्सन सेम प्रोसेस 10 ऑब्जेक्ट काम करते हैं, क्योंकि आपका थॉट उस दिशा में काम करता है। और यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये पर्सनल लाइफ में भी आता है। टॉप टू बॉटम सभी को अपने आप में परिवर्तन लाना, कंटिन्यूस चेंज रखना, जैसे मैंने बताया कि स्वाध्याय सेल्फ स्टडी ये ऑल्सो एक काइजन का पार्ट है, क्योंकि लॉकडाउन के पहले हमारे में क्या क्वालिटीज थी और लॉकडाउन के बाद हमारे में क्या क्वालिटी रहेगी। तो अब हम जो कर रहे हैं ये लॉकडाउन पीरियड में, ये हमें अपने आप में काइजन ही कर रहे हैं। काइजन ये शब्द का डेफिनेशन है कि ऑलवेज बेटर, काइजन ये जापनी शब्द दो शब्द मिलके होता है, काय मीन्स ऑलवेज, जेन मीन्स बेटर, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज बेटर। यानी कल तक मैं जो था और लॉकडाउन खुलने के बाद मैं जो रहूंगा उसमें मेरे में काफी परिवर्तन रहेगा, क्योंकि मैं ऑलवेज बेटर में काम करता था इन लॉकडाउन पीरियड में। ये जैसे खुद के लिए है वैसे अपने शॉप फ्लोर के लिए भी है। तो दोस्तों मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को डेवलपमेंट में रखो। मैं जो आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है उसका पालन करो, फॉलो करो, अटेंड करो। ये स्पेशली डिजाइन किया हुआ है आप सबके लिए और फ्री में है। सिर्फ आपके लाइफ का 1 घंटा निकालना है शाम का, जो मैं अपना जिंदगी का 1 घंटा आपको दे रहा हूँ, आपको भी अपने लिए देना है और परिवर्तन में लाना है, ताकि आने वाला कल हम सबके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। जैसे पहले के जमाने में लोग कहते थे ना कि हिंदुस्तान ये सोने की चिड़िया है, अब फिर से वो वक्त आया सोने की चिड़िया बनाने का और अपने आप को भी उस प्रोसेस में ढालने का। सो आप सबको मैं क्या बोलता हूँ उसको बेस्ट विशेष देना चाहता हूँ। ये 14 पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और लर्निंग के लिए ये सीरीज हम संडे को 10 मई से शुरू करने जा रहे हैं। इसका आगे के पॉइलेट देखते हैं कि 14 पॉइंट से ये जो हमने सीखे, अब इसका बेनिफिट क्या है। एक तो ऑन टाइम डिलीवरी है, रिड्यूस प्रोसेस साइकिल टाइम है, रिड्यूस मैन पावर है, रिड्यूस वेस्टेजेस है, मिनिमम मटेरियल्स मूवमेंट है, मिनिमम इन्वेंट्री है, कानबान सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे मिलके एक ISO 9001 स्टैंडर्ड बनता है। ISO 22000, ISO 5000, ISO 14000 ये सेफ्टी के लिए, यानी करीब करीब इंटरनेशनल 8 से 9 स्टैंडर्ड इसमें इंक्लूड है। ये 14 सिस्टम में 8 से 9 स्टैंडर्ड इंक्लूड है। जैसे कि 22000 में बताया गया कि ये क्रिटिकल प्रोसेस कंट्रोल है, यानी CTC बताया जाता है कि हर प्रोसेस एक क्रिटिकल होती है, तो उसको हमने काम करना चाहिए उस हिसाब से। विन विन सिचुएशन है, उसके बाद टीम वर्क है, मल्टी मशीन सेम प्रोसेस विथ 1 पर्सन है। 14 सिस्टम अगर हम सीखते हैं तो अपने आप में, अपने जॉब में और अपनी कंपनी में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संयम, संकल्प, स्वाध्याय, और फिर जाके हम अपने वर्क को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें एज लॉन्ग एज यू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड यू विल कंटिन्यू टू इम्प्रूव द थिंग्स। जब तक हमारे सीखने की इच्छा है, सीखने की चाहत है, तब तक हम अपने में, अपने आसपास, अपने ऑब्जेक्ट में, अपने जॉब में, अपने कंपनी में हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड एक्टिव मोड में है तो। सो इसके लिए अगर आपके कंपनी में, आपके डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको मुझे है, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, और YouTube, Facebook और Instagram पे भी डिटेल अवेलेबल है।
थैंक यू वेरी मच, आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने समय निकाला और मैंने भी आपके लिए समय निकाला है। हो सकता है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लें। और फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि संडे को 10 मई को रात को 8 बजे ये प्रोग्राम एक एक सीरीज करके शुरू होगी। 40 मिनट का एक सेशन रहेगा, अल्टरनेट डेज में शुरू होगा। आपको उस समय में एक सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, उसका होमवर्क दिया जाएगा और फिर एक दिन का ब्रेक रहेगा और फिर नेक्स्ट सेशन रहेगा। ये सेशन शाम को इसलिए रखा गया है कि दिन भर शायद कुछ कंपनीज वर्किंग में है तो कुछ लोग काम पर जाते होंगे, तो 7 बजे तक घर आते होंगे, फ्रेश होके आप ये सेशन अटेंड कर सकते हैं और कंटिन्यूशन में जा सकते हैं। इसलिए आप सबके सुविधा के हिसाब से मैंने इसको शाम को रखा है। होप आप सब लोग इसको अटेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे और अपने करियर में और लाइफ में एक बेस्ट परफॉर्मर करके उभर कर आएंगे। थैंक्स टू ऑल, एंजॉय। तो आपके सब ध्यान में आया होगा, आपको करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेरी शुभकामनाएं और मेरा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। आपको कुछ भी जरूरत है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ऑनलाइन भी सपोर्ट करूंगा। जितने भी इंजीनियर्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, जैसे मैंने आपको होमवर्क दिया है पहले दिन कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को लिस्ट बना के उसके ऊपर काम करो। आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे पर्सनल वॉल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, कॉलिंग के जरिए, मैं आपको गाइडेंस करूँगा। हमेशा आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज काम करती है और करते रहेगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।